GA 6% क्रीम जिसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड 6% डाला गया है, ये माइक्रोलैब के द्वारा बनाई जाती है, 30 ग्राम में रहती है तथा इसका MRP की बात करें तो इसका MRP है 170 रुपीज़ है तथा इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड है। तो ये ग्लाइकोलिक एसिड कब यूज़ किया जाता है, डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा कब रिकमेंडेड किया जाता है, तो उसके बारे में मैं कंप्लीट जानकारी बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। तो ग्लाइकोलिक एसिड जो कि स्किन के ऊपर एक एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर बना देती है ताकि आपकी स्किन को ड्राई ना हो तथा ये एक लेयर बनाने से आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहती है तथा इसको यूज़ किया जाता है रिंकल्स को कम करने के लिए तथा स्किन टोन को इम्प्रूव करने के लिए तथा स्किन को मॉइस्चर करने के लिए तथा स्किन को एक सॉफ्ट एंड सप्पल बना के रखती है। तो ग्लाइकोलिक एसिड जो कि यूज़ की जाती है स्किन के ऊपर अपरी लेयर पे तथा डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा रिकमेंडेड किया जाने वाला ये क्रीम है। तो जब भी आप इसे यूज़ करें तो आपकी स्किन को वॉश कर दें, उसके बाद ड्राई कर दें, उसके बाद ही इसको यूज़ करें ताकि जब भी आप इसे यूज़ करेंगे तो एकदम क्लीन स्किन रहेगी, तो उसके ऊपर अच्छे से आपको रिजल्ट मिलेगा। तथा ये ग्लाइकोलिक एसिड 6 भी आता है और ग्लाइको 12 भी आता है जिसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी किया है, तो आपको ऊपर मिल जाएगा। फिर भी इस क्रीम के बारे में आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसको ओपन करके देखते हैं कि अंदर से ये ट्यूब कैसा दिखता है। अंदर से कुछ इस तरह का ये ट्यूब दिखता है जो कि बहुत ही यूजफुल ट्यूब है, तो आप ले सकते हो, मार्केट में अवेलेबल है। इस ट्यूब के बारे में कुछ भी डाउट रहे तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और डिस्क्रिप्शन में जो बेल आइकन दिया गया है वहाँ पे पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।